कचहरी वार्ड के डिबरा के रहवासी इन दिनों बिन मौसम बरसात की मार झेल रहे हैं। इस मामले में वार्ड पार्षद ने वार्ड वासियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी बात रखी। दुर्ग के वार्ड आनंद नगर की समस्या को लेकर भाजपा पार्षद पुष्पा गुलाब वर्मा व भाजपा नेता प्रतिपक्ष के साथ बड़ी संख्या में वार्ड वासियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। पार्षद गुलाब वर्मा के नेतृत्व में वार्ड वासियों के साथ वार्ड में हो रहे जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत कराने के साथ ही जल्द ही इसका समाधान निकाले जाने को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन भी यहां सौंपा गया। बता दें, मामले में नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने बताया है कि जब से जी रोड का उन्नयनकरण एवं चौड़ीकरण करना शुरू हुआ है, तब से ऐसी सभी नालियों के ढलान को आनंद नगर में लाकर मिला दिया गया है, जिसके कारण कुछ श्रमिक एवं गांधी नगर के साथ साथ नीचे डबरा पारा महावीर कॉलोनी मील पारा में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। साथ ही फिल्टर प्लांट के ओवरफ्लो से छोड़े गए पानी से भी इन सभी क्षेत्र के घरों में 1.5 फीट के आसपास पानी भर गया है। मामले में पार्षद पुष्पा गुलाब वर्मा ने कहा कि अभी गर्मी के दिनों में जब घरों में पानी भर जा रहा है तो बरसात में कैसा आलम होगा। 4 दिन से अभी आनंद नगर वासी एवं कुआं डिबरा के जितने भी जनता है वो बहुत परेशान है। जब से पानी गिरा है अभी 3-4 दिन से, और नल घर से जो पानी एक्स्ट्रा पानी जो निकाला जा रहा है उससे घरों में आनंद नगर के पूरा पानी भरा जा रहा है। यह एक संज्ञान हम पूर्व में PWD विभाग को भी दिया हूँ और कमिश्नर साहब को भी 2 वर्ष पहले दिया हूँ, और बीच में लगातार 3-4 बार दे चुके हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक्चुअली इसका कारण यह है कि पछरी पारा जिला पंचायत और दुर्गा इंदिरा मार्केट के पानी पूरा उसी में ला के जोड़ दिया गया, इसके वजह से पूरा घर में पानी घुस जाता है। क्रमांक 39 में आनंद नगर, कुष्ठ आश्रम और गांधी नगर, और इसके साथ साथ वार्ड क्रमांक 38, इन सब वार्डों में अभी जब से यहाँ की नाली बनाई गई है PWD के, तब से भरी गर्मी में मई में जल भराव के लिए मुझे आंदोलन करना पड़े दुर्ग शहर के लिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। विधायक को इसकी जानकारी दी जा चुकी है, महापौर को इसकी जानकारी दी जा चुकी है, हम उन लोगों के द्वारा, स्थानीय नागरिकों के द्वारा कान पे जूं सत्ता पक्ष के अभी तक नहीं रेंग रही है। भरे गर्मी में वहाँ लोगों के घरों में मैंने स्वयं अपनी आँखों से 1.5 फीट पानी भरे देखा है। इस बात को लेकर हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है और जिलाधीश महोदय ने आयुक्त नगर निगम दुर्ग को कल मौके पर भेजने की बात कही है। मानता हूँ भरी गर्मी में ऐसे चुटकुले भी चल रहे हैं कि दूल्हा शेरवानी पहने की रेनकोट, लेकिन बारिश इतनी भी नहीं हुई कि घरों में पानी घुस जाए। ये केवल और केवल PWD में कतिपय लोगों को खुश करने के लिए जो नाली का ढाल ला के आनंद नगर में दे दिया गया, इसका परिणाम है नल घर के ओवरफ्लो में वो मोहल्ला भर जा रहा है, तो पूरी बरसात बाकी है। ऐसा गलत निर्णय लोक निर्माण विभाग ने लिया, निगम ने लिया, इसलिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दुर्ग निगम आयुक्त को दी है कि मौके की जांच कर 15वें वित्त आयोग से उस काम को कराने कहा गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।